करप्शन के इल्जामात ईरान में सदर हसन रूहानी के भाई को 5 साल कैद की सजा, हुसैन फरीदून सदर हसन रूहानी के खसूसी मुआवन भी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुआखजे की तहरीक को बगावत और अवाम के हकूक छीनने का हरबा करार दे दिया। ट्वीट में लिखा कि मुआखजे का मकसद दूसरी तरमीम मजहब फौज सरहदी दीवार का हक अमरीकी अवाम से गसब करने के मुतरादिफ है। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम पाकिस्तान पहुंच गया। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के कई शहरों में बारिश। सिंध में आज से बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद, सखर और लाड़काना समेत कई शहरों में बादल जम के बरसेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। और डिजिटल मीडिया की दुनिया में टीवी पर खबरों का मुस्तकबिल क्या होगा? समा ग्रुप के चेयरमैन जफर सिद्दीकी की पहली जामे किताब टीवी न्यूज 3.0 की लंदन में बाकायदा लॉन्चिंग कर दी गई। करप्शन के इल्जामात ईरान में सदर हसन रूहानी के भाई को 5 साल कैद की सजा, हुसैन फरीदून सदर हसन रूहानी के खसूसी मुआवन भी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुआखजे की तहरीक को बगावत और अवाम के हकूक छीनने का हरबा करार दे दिया। ट्वीट में लिखा कि मुआखजे का मकसद दूसरी तरमीम मजहब फौज सरहदी दीवार का हक अमरीकी अवाम से गसब करने के मुतरादिफ है। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम पाकिस्तान पहुंच गया। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के कई शहरों में बारिश। सिंध में आज से बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद, सखर और लाड़काना समेत कई शहरों में बादल जम के बरसेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। और डिजिटल मीडिया की दुनिया में टीवी पर खबरों का मुस्तकबिल क्या होगा? समा ग्रुप के चेयरमैन जफर सिद्दीकी की पहली जामे किताब टीवी न्यूज 3.0 की लंदन में बाकायदा लॉन्चिंग कर दी गई। करप्शन के इल्जामात ईरान में सदर हसन रूहानी के भाई को 5 साल कैद की सजा, हुसैन फरीदून सदर हसन रूहानी के खसूसी मुआवन भी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुआखजे की तहरीक को बगावत और अवाम के हकूक छीनने का हरबा करार दे दिया। ट्वीट में लिखा कि मुआखजे का मकसद दूसरी तरमीम मजहब फौज सरहदी दीवार का हक अमरीकी अवाम से गसब करने के मुतरादिफ है। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम पाकिस्तान पहुंच गया। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के कई शहरों में बारिश। सिंध में आज से बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद, सखर और लाड़काना समेत कई शहरों में बादल जम के बरसेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। और डिजिटल मीडिया की दुनिया में टीवी पर खबरों का मुस्तकबिल क्या होगा? समा ग्रुप के चेयरमैन जफर सिद्दीकी की पहली जामे किताब टीवी न्यूज 3.0 की लंदन में बाकायदा लॉन्चिंग कर दी गई।